आज का टॉपिक है मीटिंग के ऊपर। आप जानते हो मेरे पास दो हस्की हैं, एक का नाम है बेला, एक का नाम है एली। बेला हमारे लग फार्म में अभी गई हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। एली हमारे पास है। तो अक्सर जब मैं लॉकडाउन में वीडियोस डालता था, तो जब उसमें एली दिखती थी, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हस्की आपने नहीं रख सकते, या मैं रखना चाहता हूँ, क्या ये इंडिया में सेफ है, हॉट पार्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड में सेफ है, ऐसा है। मैं आपको पहले बताऊँ, मैं 3 साल से लगभग मेरे पास एली और बेला है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता कि इनको रखने में कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो गर्मियों के 2-3 बहुत ही ज़्यादा सख्त, बहुत ही पिक ऑफ समर का जो समय होता है, उसमें थोड़ी बहुत ही आपको इसका रूम टेम्परेचर चेंज रखना होता है। ये नहीं भी एसी लगाना ज़रूरी होता है, नो। कूलर भी आप रख सकते हो, कूलर के साथ भी रख सकते हो। हाँ, ठंडी तसीर का खाना उन दिनों में ज़्यादातर दीजिए, कोई गर्म तसीर की चीज़ थोड़ी बहुत ही बंद कर दीजिए। उन हस्कियों को दिक्कत आती है, किन हस्कियों को दिक्कत आती है, जो न्यूली बाहर से इंपोर्ट इंडिया में होते हैं। जैसे आप मोस्टली जानते हो कि इंडिया में जो डॉग शोज होते हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं या और भी सज्जन मित्र हैं जो कि 2-3 महीने पहले डॉग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग ब्रीडें यूरोप से, अमेरिका से, यूरोपियन कंट्री से आती हैं, ताकि वो डॉग शो में उनको दिखाएं और अच्छे प्राइस जीतें और अपना नाम बनाएं। तो वो ब्रीड्स को भी थोड़ी सी जब पहली गर्मी आएगी, जहाँ का टेम्परेचर आप जानते हो 40-50 के आसपास चला जाता है, उनमें दिक्कत आती है। लेकिन उनमें भी जो कोई बंदा वो चीज़ बाहर से इंपोर्ट करता है ना, वो पहले ही उसको रख रखाओ, उसको कैसे मेंटेन रखना है, गर्मियों में कैसे, सर्दियों में कैसे रखना है, वो सब उसके लिए प्रिपरेट पहले से ही होते हैं। बाकी रही बात, जो हस्की बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं कि ये इसके नाम के साथ जुड़ा है, साइबेरिया, साइबेरियन हस्की, ये वो कंट्री ठंडी है, बर्फ़ पड़ती है, ये इंडिया में कैसे रह सकता है। इंडिया में लगभग आए हुए हस्कियों को, पहला हस्की लगभग यहाँ से 12-15 साल पहले इंडिया में आया था, और अभी लगभग हजारों, थाउजेंड्स ऑफ हस्की इंडिया में रहते हैं और लगभग 12-15 सालों से रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो मेरे पास एली और बेला है, ये लगभग इनकी 3rd जनरेशन है मेरे पास। इनके माँ बाप भी यहीं बॉर्न हुए, उनके नाना दादा भी यहीं बॉर्न हुए। ये बहुत पुराना ब्लड लाइन है, ये वहाँ पहले था, लेकिन अभी इनके पास मेरी 4th जनरेशन है मेरे पास। ये इंडिया में रहते हैं, बट मैं जैसे आई रिपीट अगेन कि इनको थोड़ा सा गर्मियों में टेक केयर करना पड़ता है, बस खान पान और एक रूम का थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन रखना। आई रिपीट अगेन, जरूरी कंपलसरी एसी नहीं है, अगर आप दे सकते हो तो मच बेटर, नहीं तो कूलर भी, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े कूलर आते हैं, वो भी आप इनको इनके कमरे में रख सकते हो, टेम्परेचर मेंटेन सो ईजी। बट मेन इशू होता है कि जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वो आप जरूर टाइम टू टाइम वैक्सीन करवाइए, अपने डॉक्टर साहब के टच में रहिए, वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाओगे। अगर हस्की की ही बात है, तो जो आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास सुपर डबल कोट जर्मन शेफर्ड है, उनको पूछिए कि सर्दियों में कितना आसान है और गर्मियों में कितना मुश्किल है। सेंट बर्नार्ड अगर किसी के पास है, तो उसको देखिए गर्मियों में कितना उसको मुश्किल होता है संभालना, पसीने छूट जाते हैं, इससे अच्छे भले प्रोफेशनल बंदे के भी। बहुत सारे लोग तो उसको फाइनली टाइड होकर उनके बाल तक शेव कर देते हैं पूरे। बट हस्की के ज़्यादा लंबे बाल नहीं होते, घने होते हैं, लेकिन इनको मैनेज करना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में अक्सर बातें होती रहती हैं, जर्मन शेफर्ड्स, लॉन्ग ब्रीड्स, अलास्कन मैलामॉयस भी मेरे फ्रेंड्स के पास हैं, सेंट बर्नार्ड भी मेरे फ्रेंड के पास है, और भी बहुत सारी ब्रीडें जिनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, और उनको संभालना, और मैं कहता हूँ कि हस्की को संभालना ईजी है उन ब्रीडों से। बट हाँ, एंड ऑफ द डे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, या आपके न्यूट्रिशन क्या क्या, किस मौसम में कितने फैट प्रोटीन वाली फीड देनी होती है, ठंडी तसीर कब देनी होती है, गर्म तसीर, वो चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। और बैक टू द टॉपिक, बात आती है, आज मीटिंग है एली की। आज आप जानते हो मीटिंग में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मीटिंग ब्लड आने के 10-12-8 दिन के बाद की जाती है। मच बेटर अगर आपके पास गवर्नमेंट अच्छा हॉस्पिटल में स्लाइड की सुविधा है, स्लाइड बनवा लीजिए, आपको प्रॉपर मालूम पड़ जाएगा कि कब मीटिंग करवानी है, क्योंकि कभी कभी साइलेंट हीट भी आती है, ब्लीडिंग जिसमें नहीं होती, खाली स्वेलिंग होती है प्राइवेट पार्ट में। और आप क्रॉस कलर मीटिंग करा सकते हो हर ब्रीड की, लेब्रा अगर ब्लैक है तो उसको गोल्डन वाइट के साथ करा सकते हो, हस्की अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट है तो उसको आप वाइट के साथ भी करा सकते हो और ब्राउन वाइट के साथ भी करा सकते हो, क्योंकि इसमें वराइटीज आ जाती है। लेकिन क्रॉस ब्रीड, ये ना कोई हो कि रॉटवीलर को लेब्रे के साथ करे या फिर लेब्रे को किसी और ब्रीड के, ये नहीं करना, क्रॉस ब्रीड नहीं करना है,
सेम ब्रीड में अलग अलग कलर में मीटिंग आप करा सकते हो अगर आप अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसी तो हमारे पास थैंक गॉड मेरे फ्रेंड का डॉग है व्हाइट कलर में हस्की। अभी जो समय चल रहा है जुलाई का महीना, इसमें ज्यादातर जब मीटिंग कराई जाती है अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, बहुत बढ़िया समय, तो ठंडा मौसम होता है, या फिर लेट इवनिंग रात के समय, दोपहर में मीटिंग नहीं करवा सकते। ये मेल फीमेल वैसे किसी भी ब्रीड में, ना हस्की की बात नहीं कर रहा, जब भी आप आपके पास कोई भी डॉग हिट पर आए, सर्दियों में आप दिन में कभी भी मीटिंग करा सकते हो, फिर भी ज्यादा बेटर समय रहता है अर्ली मॉर्निंग का, और गर्मियों में तो अर्ली मॉर्निंग मच बेटर, नहीं तो लेट इवनिंग। अगर आपके पास समय नहीं है, आप कोई भी किसी तरह का काम कर रहे हो, आपके पास मॉर्निंग का ऑप्शन नहीं है तो। पॉइंट टू, कभी भी जो डिवॉर्मिंग है आफ्टर मीटिंग डॉग को नहीं की जाती जब तक बच्चे को मदर डिलीवर ना कर दे और दूध पिलाना बंद ना कर दे। डिवॉर्मिंग हमेशा मीटिंग से पहले ही की जाती है, और मीटिंग के बाद अगले 5-7 लगभग पहले 25 दिन 30 दिन डॉग को जितना हो सके ठंडी तासीर का खाना दीजिए माय फ्रेंड। कभी भी उसको ये नहीं हो कि आप उसको मल्टीविटामिन कैल्शियम ओवर कर दो, गर्म तासीर का खाना दो, मत दो, जितना हो सके नॉर्मल डाइट ठंडी तासीर का खाना। बाकी रही बात नहलाने की, वो डॉग को आप पहले 20-25 दिन नहला सकते हो, कोई इशू नहीं होती। ये ना हो कि मीटिंग के 50वें दिन 60वें जिस दिन जब मदर ने बच्चे कैरी किए होते हैं तब उसको नहीं नहलाया जाता, साफ सुथरा रखा जाता है, साफ सुथरी जगह रखिए। अंतिम दिनों में डॉग को कभी भी सीढ़ियों के ऊपर मत ऊपर अप डाउन यहाँ उठाइए, थोड़ा विद केयरफुल, बट डॉग को नॉर्मल डाइट रखिए। जैसे ही मीटिंग से 40 दिन प्लस हो जाए, आपको श्योर हो जाए कि उसने बच्चा कंसीव किया है, 45 डेज के बाद तो आप एक्स्ट्रा स्कैनिंग भी करवा सकते हो, वहां तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कितने बच्चे हैं कैसे हैं, तब आप डॉग को किसी भी कंपनी की मदर एंड पापर पप वाली, मदर एंड बेबी लिखा होता है कभी कहीं पर, मदर और बेबी डॉग भी लिखा होता है, इन शॉर्ट स्टार्टर फीड कहा जाता है उसको, वो वाली फीड स्टार्ट कीजिए। स्टार्टर फीड किसी भी कंपनी की, अलग अलग ब्रीड के हिसाब से, डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से दीजिए, क्योंकि उसमें कंप्लीट डाइट होती है जो मदर को भी जाती है और छोटे बच्चों को जो पेट में, क्योंकि इन शॉर्टली जो हम मदर को देंगे वो बच्चों को जाएगा। और ये स्टार्टर फीड डिलीवरी के बाद, आप जानते हो 60 या 62 डेज पर डिलीवरी होती है, उसके लगभग अगले 20 या 30 दिन जब तक बच्चे माँ का दूध पीते हैं तब तक कंटिन्यूस रखिए, और साथ में मल्टीविटामिन कैल्शियम भी दीजिए जो उसकी डोज बनती है। अगर फिर भी कोई बात ना समझ आए तो नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर वेटनरी हॉस्पिटल आपके है तो प्लीज जरूर विजिट कीजिए माई फ्रेंड। ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं, हस्की जरूर रखिए, वो इंडिया में रहता है, हजारों हस्की रहते हैं और लगभग मोर देन डेकेड 10 साल से प्लस इंडिया में उसको आए हुए को हो गया है। ऐसे कैसे पहले क्वेश्चन कुछ आए थे जब पहली बार इंडिया में जर्मन शेफर्ड आया था तो भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि क्या ये इंडिया में रहेगा कि नहीं रहेगा। रॉटवाइलर इंडिया में आया था, सेंट बर्नार्ड इंडिया में आया था, तब भी ऐसे क्वेश्चन थे कि यार ये तो स्विट्जरलैंड की ब्रीड है सेंट बर्नार्ड, ये इंडिया में कैसे रह सकती है। अलास्कन मैलामाज़ आया, उसको भी लोग क्वेश्चन है कि ये अलास्का से आया कैसे ऐसे हो सकता है, लेकिन सब कुछ होता है। बट हाँ, अगर आप चीज को रखोगे, उस ब्रीड को रखोगे, कोई भी गाड़ी से भी आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो उस पर कमेंट करता है, जिसके पास वो व्हीकल या गाड़ी है उसको मालूम है कि उसको कैसे संभालना है और कैसे विद केयर इंडिया के रोड के ऊपर चलाना है। तो ऐसे ही डॉग ब्रीड्स में है, एंड ऑफ द डे चाहे वो स्ट्रीट डॉग आप पालो चाहे हाइब्रिड डॉग पालो, वो आपसे प्यार और केयर की डिमांड करेगा, एक्सपेक्टेशन करेगा, और वो हमारा फर्ज भी है उसको देना। इसमें ब्रीड मैटर नहीं करती, जस्ट केयर मैटर करती है फ्रेंड। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल अर्ली मॉर्निंग जाना है एली को लेकर तो आज थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर जाना है, और जाना भी मेरे फ्रेंड मुझे जाया मेरे फ्रेंड यहाँ से लगभग कुछ अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास दूर है। थैंक यू माय फ्रेंड, एंड साथ चलिए। हाय फ्रेंड्स, ये सुबह के कुछ 6 बजे हैं और आप जानते हो कि जून जुलाई महीने में 6 बजने का क्या मतलब होता है। देखो सूरज यहाँ पर निकल आया और मीटिंग है एली की, आपको दिखाते हैं एली। ओके बैठ जाओ एली। नो चलो मैं बंद कर ले, नो इसी चल दा अंदर। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग। क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।